नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई स्प्रिंगी बॉय। मित्रों, आज की इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपका स्किपी स्पोकन इंग्लिश ऐप क्या है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। और हाँ मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में बताइएगा कि एप्लीकेशंस कैसा है, आपको सबसे एप्लीकेशंस बेटर लगा या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेना है, जिसके लिए कि आपको अपने प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद जो दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है स्किपी, यानी कि SIKEDLPY स्किपी। जैसा कि मित्रों यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप स्किपी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ गया स्किपी बेटर इंग्लिश बेटर लाइफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप एप्लीकेशंस बड़ा ही मस्त है, मैं इसका पहले से रिव्यू कर चुका हूँ और जो मैं आप लोगों के लिए वीडियोज बना रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशंस का 4.5 का इसे रेटिंग मिला हुआ है और फिर जो 32 के रिव्यूज है, 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। तो मित्रों, एप्लीकेशंस बड़ा ही मस्त है, ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेना है, इसके बाद जो दोस्तों आपको एप्लीकेशंस को ओपन कर लेना है। इसके बाद जो दोस्तों, जैसे आप एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको फ़ोन को जो अलाउ करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ से आप ऑप्शनल है, चाहे तो इसे सेलेक्ट कर भी सकते हैं, यदि मन नहीं है करने का तो छोड़ भी सकते हैं। तो इसके बाद फिर सिंपली आपको ओके के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो दोस्तों आपको अलाउ करने के लिए कहा जाएगा, दो बार अलाउ कर देना है। इसके बाद मित्रों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहां से नेक्स्ट के ऊपर लेना है, फिर नेक्स्ट के ऊपर, फिर नेक्स्ट के ऊपर। इसके बाद दोस्तों आपको फोर्थ बार जो इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप साइन अप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो फ्रेंड्स आप अपने फेसबुक से कर सकते हैं, दूसरा आप अपने ईमेल आईडी से। और दोस्तों यदि आप इसमें साइन इन नहीं करना चाहते या साइन अप नहीं करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि एप्लीकेशन कैसा है, यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर में राइट साइड में आपका गेस्ट का ऑप्शन दिखाई देता होगा, तो आपको एक बार इसके ऊपर टैप कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है जिस भी लैंग्वेज के माध्यम से इसको सीखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी जो मातृभाषा क्या है, आपका जो मदर टंग जो भी है फ्रेंड्स, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो मैं भी अपना सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ से आप कौन सा इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बेसिक से सीखना चाहते हैं या फिर जो इंटरमीडिएट का सीखना चाहते हैं या एडवांस सीखना चाहते हैं, अपर इंटरमीडिएट सीखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको डन के ऊपर क्लिक कर लेना। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से लोडिंग होने लगेगा और कुछ सेकेंड्स में ही लोडिंग भी हो जाएगा। और दोस्तों इसमें आपका बहुत सारा एप्लीकेशंस बड़ा ही मस्त है, मैं इसे यूज कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मित्रों एप्लीकेशंस ओपन हो जाएगा तो यहाँ से जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा आपका वीडियोस दिखाई दे रहा है। सबसे नीचे में आपका सबसे पहला नंबर पे होम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद जो दोस्तों यहाँ से आपको वीडियो सब दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप वीडियो वॉच करके जो है स्पोकन सीख सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपकी यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे में होम के राइट साइड में आपका एक क्विज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो क्विज के ऊपर क्लिक करने के बाद जो यदि आप भी इसमें क्विज में भाग लेना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो सिंपली आपको स्टार्ट नो के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो मित्रों आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन खुल के आ जाएगा, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा आप किस तरह का क्विज खोलना चाहते हैं, यहाँ बेसिक से खेलना चाहते हैं या फिर जो है फ्रेंड्स आप जो है पूरा हाई लेवल का खेलना चाहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कितने वर्ड्स का आप खेलना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं तो 5 वर्ड कर लिया, इससे भी कम कर देता हूँ, मैं 3 वर्ड्स कर लिया। इसके बाद दोस्तों आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका रोज डेली डेली यदि आप करते हैं इस तरह से प्रैक्टिस, तो आपका इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा इस एप्लीकेशंस की मदद से। दोस्तों एप्लीकेशंस बड़ा ही मस्त है, मैं बार बार यही कहूँगा कि एप्लीकेशंस आपका बहुत ही मस्त है और सारे एप्लीकेशंस से और सारे बहुत सारे स्पोकन एप्लीकेशंस है उससे बहुत ज़्यादा बेटर है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको सबसे पहले इसे दिखाया जाएगा कि प्रीव्यू का मतलब पहले होता है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स बिलोव्ड का मतलब जाना होता है और फिर टेंस का मतलब काल होता है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको तीन वर्ड यदि आप सिलेक्ट करेंगे तो तीन वर्ड आपको दिखाया जाएगा, यदि आप फाइव वर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो फाइव वर्ड आपको दिखाया जाएगा इंग्लिश मीनिंग के साथ और हिंदी के साथ। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है तो यहाँ से आपका गेम स्टार्ट होता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है बी लव्ड, तो इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही आप फ्रेंड्स सेलेक्ट करेंगे सही वाला तो यहाँ से जो आपका दिखाई देने लगेगा और यहाँ से आपको ग्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर जीत सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारा का सारा आंसर दे दिया। इसी तरह से आप यहाँ से क्विज भी खेल सकते हैं और दोस्तों यदि आप इसमें साइन अप करना चाहते हो तो साइन अप भी कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्विज के राइट साइड में प्रैक्टिस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो प्रैक्टिस के ऊपर क्लिक करने के बाद जो यदि आप इसमें से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जो दोस्तों यहाँ से हाईलाइट फेमस जो टीवी है यहाँ से वो आपको वॉच करना है। इसके बाद जो यहाँ से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों डिस्कवर का ऑप्शन दिखाई देता होगा प्रैक्टिस के राइट साइड में, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से आप जिसे भी सर्च करना चाहते हैं डिस्कवर में जो है अभी, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्पोकन का आप वीडियो देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और इसे सुन भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो आपका प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। यदि आप साइन अप पहले से किए हुए हैं तो आप साइन इन कर सकते हैं। तो मित्रों इसी तरह से आप इस एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। एप्लीकेशंस दोस्तों कैसा है यह हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, भूलिएगा मत। और दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।